जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अपने आप में एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसे ज़ीरो प्रूफ करना है। देखिए हम लोग कैसे इसे सोचते हैं, सपोज LHS ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि ये जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक है? देखिए लीडिंग डायगोनल के क्रॉस ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ एंट्री ए है तो यहाँ माइनस ए है, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी है, यहाँ सी है तो माइनस सी है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होती है उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होता है। कैसे प्रूफ, देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या कहा, सपोज इसे LHS डेल्टा एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट डेल्टा इक्वल्स टू दिस वन। अब हम सारे रो को कॉलम से एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, तो जीरो माइनस ए और बी हो जाएगा। फिर दूसरा कॉलम दूसरा रो बन जाएगा, ए जीरो और सी हो जाएगा। तीसरा कॉलम तीसरा रो बन जाएगा, माइनस सी और जीरो हो गया। क्या किया जाए, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए और इसको देखिए। यहाँ पे माइनस ए हुआ करता था, अभी ए है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, ए माइनस ए है, तो इससे एक माइनस कॉमन करिए, वो पहले आपके उसे रो से मैच कर जाएगा। इसे माइनस कॉमन करेंगे तो दूसरे रो से मैच कर जाएगा, और इससे माइनस कॉमन करेंगे तो तीसरे रो से मैच कर जाएगा, मतलब पूरी डिटर्मिनेंट मैच कर जाएगी अगर तीन माइनस कॉमन कर लीजिए रिस्पेक्टिव रो से। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, आर वन बिकम माइनस वन टाइम्स ऑफ आर वन, फिर आर टू बिकम माइनस वन टाइम्स ऑफ आर टू, एंड आर थ्री बिकम माइनस वन टाइम्स ऑफ आर थ्री, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो आपके डिटर्मिनेंट होगी माइनस वन की पावर थ्री, तीन माइनस बाहर आएंगे, और जो बचेगा डिटर्मिनेंट वो आपके डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट आ गया दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, डेल्टा इधर ले आइए, तो टू डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, टू जीरो तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है डेल्टा जीरो होगा, दैट इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, विच वी हैव टू प्रूफ।